जन्म से दिव्यांग और निर्धन लोगों को अगर सही समय पर ऑपरेशन और रोजगार मिल जाए तो अपना घर आसानी से चला सकते हैं। उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान ऐसे दिव्यांग और निर्धन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों से दिव्यांगों के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उन्हें अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 8 वर्षों से ऐसे निर्धन एवं दिव्यांग लोगों को सिलाई प्रशिक्षण देकर रोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। नारायण सेवा संस्थान द्वारा ऐसे जरूरतमंद लोगों को ऑपरेशन के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे गुजारा चला सके। नारायण सेवा संस्थान द्वारा पिछले 8 वर्षों से संस्थान परिसर में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में करीब 1100 लोगों को इस प्रशिक्षण से जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार की ओर अग्रसर किया गया है। देश भर के कई निर्धन एवं दिव्यांग लोग सिलाई का प्रशिक्षण लेकर रोजगारी की ओर आगे बढ़े हैं। बिहार से आए दिव्यांग ने बताया कि सिलाई के प्रशिक्षण के दौरान यहां से सिलाई सीखकर अपने क्षेत्र में एक दुकान लगाकर सिलाई करेगा और अपने परिवार का पेट पालेगा। वहीं कई लोगों ने नारायण सेवा संस्थान का आभार भी जताया कि संस्थान के माध्यम से उन्हें रोजगार मिल रहा है। सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण देने वाले अध्यापिका ने बताया, पिछले कई समय से यहाँ सेवा दे रही है और कई बार अलग अलग कपड़े कटिंग कर सिलाई सिखाती है, जिससे वह अपने करियर की ओर अग्रसर हो सके। यूपी से आए एक दिव्यांग ने बताया कि पहले संस्थान में उसके पाँव का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। पिछले 3 माह में उसने पूरी तरह से सिलाई सीख ली है और अब अपना घर चला सकता है, साथ ही वह किसी भी कंपनी में भी सिलाई का कार्य आसानी से कर सकता है। दिव्यांग ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा बहुत अच्छे से उन्हें समझाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस तरह से एक घर में उन्हें माँ समझाती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी उन्हें समझाया जाता है, जिससे कि वह अच्छे से इस कार्य को पूरा कर सके। वही जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो संस्थान द्वारा सिलाई मशीन भी दी जाती है, जिससे कि वे उस मशीन के माध्यम से कहीं भी अपना गुजारा कर सके। श्रीपाल मिश्रा है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ, यूपी का हूँ। यहाँ मैंने पहले ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ सिलाई सेंटर में आके सिलाई का सीखा है मैंने, और यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। मैडम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ के साथ रहकर सीखता है, उसी प्रकार से माता की तरह इन्होंने सिखाया है और बहुत अच्छे से सिखाया आपने। और कैसे यहाँ मोटिव करते हैं? बहुत अच्छे से मोटिव करते हैं, बहुत अच्छे से। एक ही चीज़ को 10 बार बताते हैं, पहले पेपर्स पे बताते हैं, उसके बाद कपड़े पे बताते हैं, फिर सिल के दिखाते हैं, उसके बाद सिलने को हमको बताती हैं। मेरा राहुल तिलमर नाम है, मैं MP से आया हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ है और मैं यहाँ सिलाई सीखने कम से कम करीब 4 महीने हो गए मुझे सिलाई सीखते सीखते, और मैं यहाँ पर सिलाई सीख के बहुत खुश हूँ कि हमें रेखा मैम ने भी मोटिवेट किया और प्रशांत भैया और सबकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम सिलाई सीख के एक स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं जो अपने अंदर की, हम जाएँ कहीं पर कंपनियों में तो हमें ले लें, ये ना सोचें कि हम एक अछूत है, मान लो कि हमें काम नहीं आता है, मगर काम आएगा तो हमारे अंदर हम किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। और मैं इतना ही देना चाहता हूँ, नारायण सेवा संस्था का बहुत बहुत आभार शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने हमें अब इस काबिल बना दिया कि हम किसी भी कंपनी में जाएं तो हमें ये ना लगे कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हमें ये लगे कि हाँ हम जानते हैं और हम उस लायक हैं कि कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अरे रेखा मैम बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाती हैं और उनका क्या ही कहें कि कितने अच्छे तरीके से सिखाती हैं और हर माहौल में ढल के सिखाती हैं कि अगर बच्चे को एक बार नहीं आया तो 50 बार बताती हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि शब्द मेरे पास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि टीचर को टीचर की तरह से नहीं, एक वो माँ की तरह से सिखाती हैं कि भैया ऐसा सीखो ऐसा सीखो ऐसा सीखो। मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मैं रेखा मैम का बहुत ही बहुत धन्यवाद और थैंक यू करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पे? रेखा पुष्करना, 2012 से। पहले तो 2 महीने का कोर्स था, उसमें जैसे बच्चे नॉर्मल हैंडीकैप बच्चे आते हैं उनके अटेनर होते हैं और लोकल जो आसपास में होते हैं उनको सबको सिखाते हैं। जैसे बच्चों को सबसे पहले अपने ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, जिसके बाद पेपर पैटर्न पे उनको सिखाते हैं, कपड़े पे सिखाते हैं, हर बच्चा अपना अपना अलग काम करता है। अभी 3 महीने का कोर्स चल रहा है, ये 24 तारीख को एंडिंग है इन बच्चों की, जो 29वां बैच है। इनको जैसे अपने लेडीज़ का फुल कोर्स हो जाता है, जैसे पेटीकोट है, सलवार है, कुर्ता है, बच्चों की फ्रॉकें हैं, टॉप है, स्कर्ट है और चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पैजामा, ऐसे करके पूरा ब्लाउज़,
पूरा कोर्स होता है इनका। 300-400 बच्चों को सिखा दिया है। हर बैच में 15 स्टूडेंट के लगभग होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, क्लेट, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरण नगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 8233-22-3322। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।